ये मैं दूसरी दफा देख रहा हूँ येलो तरबूज यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मैं हैरान ही रह गया, मैं कहा वाकई तरबूज है ये इतनी स्मेल वाला होता है, इतनी स्मेल वाला, लेकिन जितनी स्मेल वाला चाइनीज उतने ही ज्यादा शौक से खाते हैं। पाइनएप्पल तो मैंने लेना, लेकिन कटा हुआ लेना है। दूसरी साइड पे चेक करते हैं और इतना महंगा, पाकिस्तानी तकरीबन ये 2500 के करीब है ये आधा तरबूज कटा हुआ। यहाँ पे आपको रेड चिली भी मिलेगी, ब्लैक भी मिलेगी, व्हाइट भी मिलेगी, येलो भी मिलेगी। हाय हाय, बुरी चीज ही मथे लगी है, सख्त हराम। मैं इसी वजह से मैं इसके नजदीक भी नहीं पड़ता कि कुदरत देखें, माशाल्लाह मैं बहुत हैरान होता हूँ। देखिए चीता लग रहा है, टाइगर मछली लग रही है, मुझे तो देख के डर लगता है ये चीजें, ये पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। बस रब की कुदरत देखें जी, माशाल्लाह क्या क्या रब ने चीजें बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश बाश होंगे। रमजान मुबारक की वजह से काफ़ी अरसा आपसे रबता नहीं हो सका, उम्मीद है आपका रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज मैं आया था सुपरमार्केट, कुछ चीज़ें बाय करनी थी घर की, तो मैंने सोचा ग्रॉसरी भी करनी है और साथ साथ वीडियो भी बन जाती है, आपके साथ मिलकर शॉपिंग भी कर लेते हैं। एक्चुअली ये शॉपिंग मॉल नया बना है यहाँ पर, लास्ट वीक ही इसकी ओपनिंग हुई है, तो मैंने सोचा था अब जब ग्रॉसरी करनी होगी तो यहाँ पे आएंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे यहाँ की चीज़ें, यहाँ के रेट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे महंगी चीज़ें होंगी क्योंकि नया नया काम ओपन हुआ है। ले जी, सबसे पहले जो सेक्शन आया ये फ्रूट का है, और फ्रूट में सबसे पहले मुझे बनाना नज़र आ गया, और देखते हैं इसका रेट क्या लगा हुआ है। रेट से बात याद है कि जब मैं नया नया चाइना में आया था तो यकीन करें मैं जो रेट देखता था ना उसको पहले मल्टीप्लाई करता था, पाकिस्तान कितने का बनता है फिर दोस्त कहने लगे अगर तुम ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भूखे रह जाओगे। तब यकीन करें बहुत महंगी चीज़ें लगती थी यहाँ पर, अब हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके लेता था मैं, लेकिन अभी तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा हुई पड़ी है। अब नेक्स्ट पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल तो मैंने लेना, लेकिन कटा हुआ लेना है। दूसरी साइड पर चेक करते हैं, हाँ ये कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो इसमें से भी देखना पड़ता है कि कोई ज़्यादा जो गल गया होता है, नरम हो गया होता है, वो तो नहीं। ये मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा तो इसको भी रख ही लेते हैं, अच्छा है ये 12.75 का। नेक्स्ट आ गया जी कोकोनट वाटर, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ, मेरे घर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस 13.80 है, मैंने 10 के मंगवाए हुए हैं, ऑनलाइन सस्ते मिले थे मतलब। अब यहाँ से कुछ अपने बैग उतारते हैं, प्लास्टिक बैग, इसमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तो मैं जब भी आता हूँ कोई 10-15 इकट्ठे एक दफ़ा ही निकाल लेता हूँ ताकि बार बार इस तरफ ना आना पड़े मुझे। और जो सबसे स्पेशल चीज़ है चाइना की, ये है जी छोटे छोटे लीमू, जैसे हमारे लीमू नहीं होते वहाँ पर, उस साइज़ के ये हैं माल्टे, बड़े मीठे होते हैं। और ये क्या जी, ये मेरे हाथ ही गंदे कर गया, पता नहीं क्या चीज़ है। तो इस तरफ वाटरमेलन की तरफ आए, ये हिंदुआना छोटा सा है, यहाँ कटे हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन कटे हुए की प्राइस देखते हैं क्या है, 54.68। ओ नो, इतना महंगा, पाकिस्तानी तकरीबन ये 2500 के करीब है ये आधा तरबूज कटा हुआ, अस्तगफिरुल्लाह बहुत महंगा है। और ये येलो तरबूज देखें, वाह, ये मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ येलो तरबूज यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मैं हैरान ही रह गया, मैं कहा वाकई तरबूज है ये, दोस्त कहता जी वाकई तरबूज है ये, फिर मैंने सोचा जी वाकई अल्लाह की कुदरत है, दूसरे नंबर पर चाइनीज़ आई है, चाइनीज़ कौम तो कुछ भी कर लेती है, तो ये कौन सी कोई मुश्किल बात है। यहाँ से लेते हैं एप्पल, एप्पल लास्ट टाइम मैंने ये लिए थे लेकिन वो अंदर से ना वो ब्लैक वाले बिल्कुल फोके से थे, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, ये इनका रस अंदर से अच्छा होता है, ये भी देख के लेने पड़ते हैं। मैं एक्चुअली उठाता हूँ एक हफ्ते का सामान, जो एक हफ्ते में मुकम्मल हो सके, फिर हर सैटरडे या संडे को शॉपिंग करनी होती है, ग्रॉसरी करनी होती है, तो इजीली जो एक हफ्ते का सामान निकल जाए वही लेना होता है। ये ड्रैगन फ्रूट आ गया, अब स्किन आज तक मुझे ये पहचान नहीं हुई ड्रैगन फ्रूट की, कि अंदर से एक रेड वाला होता है एक वाइट वाला होता है, बाज़ कात में लेके जाता हूँ अंदर से रेड निकल आता है, बाज़ कात लेता हूँ अंदर से वाइट निकल आता है, तो इसकी अभी तक मुझे पहचान नहीं हुई, लेकिन मज़ा आता है खाने का, इसके लिए ये भी एक दो पीस रख लेते हैं।
आगे चलते हैं तो आ गए ये मैंगो, नहीं नहीं ये तो मेरे ख्याल से वो पपीता है, पपीता जिसे कहते थे हम, ये मैंगो नहीं है। ये कीवी आ गई, कीवी भी नहीं चाहिए, बड़ी सावर सी होती है, चकी हुई है। ये आ गए जी मैंगो, लेकिन आम की जब बात आती है ना तो पाकिस्तानी आम याद आ जाते हैं। मैंने चाइना में एक दफ़ा पाकिस्तानी आम खाए थे, बहुत मज़े के, बहुत मज़े के, लेकिन ये इतना अरसा हो गया खाते हुए, टेस्ट लेस होते हैं इनका। फ्रूट का एक मैंने चीज़ देखी है कि एप्पल खा लो, बनाना खा लो, कोई टेस्ट उनका नहीं आएगा। पाकिस्तानी माशाल्लाह बिल्कुल लज्जत से भरपूर चीज़ें होती हैं। अब आ गए स्ट्रॉबेरी की तरफ, देखते हैं इसके ऊपर कीमत लगी हुई है। अच्छा 30, वाह 30.24। अब इसका हिसाब खुद लगाते जाना भाई कितनी महंगी है चीज़ें, हम तो यहाँ के हिसाब से देखते हैं। अच्छा ये है जी जैक फ्रूट, डुरियन इसे भी कहते हैं। ये इतनी स्मेल वाला होता है, इतनी स्मेल वाला, लेकिन जितनी स्मेल वाला चाइनीज उतने ही ज़्यादा शौक से खाती हैं ये। कुछ चीज़ों का तो वज़न करके कीमतें पहले से ही लगी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें आप खुद लेते हैं फिर उसका वज़न करवा के यहाँ से कीमतें भी लगवा के फिर आपने काउंटर पर जाना होता है, तो कैसे देखो मुनफरद तरीका है। अब आ जाता जी वेजिटेबल सेक्शन, यहाँ पे सबसे पहले तो खीरे नज़र आए हैं, सैलड के लिए खीरे तो मस्ट हैं। खीरे देखें, पाकिस्तानी खीरे कैसे होते हैं लेकिन यहाँ के खीरे देखें, अब पता नहीं ये देसी हैं, वलायती हैं, कौन से हैं, लेकिन खीरे हैं। वाह ये रेड गाजर यहाँ पे ना कभी कभी दिखने को मिलती है, कभी सब्ज़ी में डालने के लिए ना, दो मेरे ख्याल से 6 काफ़ी हैं, 6 गाजरें काफ़ी हैं। ये तो नॉर्मल सब्जी आप पाकिस्तान में भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते, और ये इसे मैं पाकिस्तानी प्याज कहता हूँ और मैं यूज़ भी यही करता हूँ। यहाँ पे मोस्टली लोग येलो प्याज यूज़ करते हैं जो वाइट होता है, लेकिन मुझे इसी का मज़ा आता है। बाकी ये आलू वगैरह भी घर पड़े हुए हैं, गार्लिक, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। चले अब इनका वेट करवाते हैं जो चीज़ें ली हैं। अच्छा मुझे एक सब्जी दे रही थी जिसका मुझे पता नहीं वो कौन सी सब्जी है, कहती है ले जाओ तो मैं वो सस्ती दे दूंगी, ले जाओ ले जाओ। मैं कहा मुझे नहीं पता भाई क्या चीज़ है, मैं क्यों लूँ। तो अब इस तरफ कॉर्न की तरफ आए तो ये छलियाँ देखे जी, यहाँ पे आपको मैं एक मुनफरद चीज़ दिखाता हूँ, ये ब्लैक छली देखें, काली छली। यहाँ पे आपको रेड छली भी मिलेगी, ब्लैक भी मिलेगी, वाइट भी मिलेगी, येलो भी मिलेगी, इस कौम के कारना में देखते जाएँ बस आओ। अब हम बेकरी की तरफ आए हैं तो देखते हैं क्या चीज़ हमें मज़े की लगती है। ये छोटा सा केक है 19.80 का, ये कुछ मज़े का लग रहा है क्योंकि इस पर वो साथ में वो फ्रूट भी हैं, और ये अच्छा है, और इसको हम यहाँ पर रखते हैं ताकि ये गिरे ना और सब्जियों में आके इसका हलवा ना बन जाए। और इस तरफ डोनट पिज़्ज़ा बड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं ये हलाल भी है कि नहीं, हमें हलाल वगैरह ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। और इस तरफ आएँ तो ये बर्थडे केक पड़े हुए हैं, लेकिन चाइना में देखा मैंने यहाँ पे डेकोरेशन बड़ी मज़े की करते हैं, खूबसूरत तरीन केक बना देते हैं ये। अब हम एंटर हुए हैं जी दूध के पोर्शन की तरफ, यहाँ पे दूध दही बटर वगैरह मिलेगा। मुझे यहाँ से उठाना है दही, दही के मैं छोटे छोटे ये जो पैकेट हैं यही उठाता हूँ, इसके अंदर पैकिंग होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कहीं लेट हो रहा हो तो बंदा ही उठा के खा लेता है। और ये बटर यूज़ करता हूँ मैं, ये न्यूजीलैंड का बटर है हलाल, तो ये भी मस्ट हो गया है। पाकिस्तान में तो इस पोर्शन में हमें केएनएनस मिलता है और आंखें बंद करके हम उठा लेते हैं, पता होता है हलाल ही है, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी चीज़ बाय करनी हो तो एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, कॉर्नर पे कहीं पे शिनचैन लिखा हुआ है, हलाल लिखा हुआ है, तो वही चीज़ उठानी होती है हमने। इस तरफ आ जाएं तो ये सिरका की पूरी फैमिली लगी हुई है सिरके की, तो ये चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए थी चीनी, ये पायथान, ये चीनी चाहिए थी। चीनी भी इनके ना बहुत ज़्यादा पाउडर बना होता है, ये एक वाहिद ऐसी लगी है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये जब दाने वाली मुझे मिलती है तो मैं 2-3 पीस उठा लेता हूँ इकट्ठे ही। ये इनका नमक, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नया शॉपिंग मॉल ओपन हुआ है तो यहाँ पे चीजें भी देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हर चीज नई पड़ी हुई है यहाँ पे।
वो क्या कहते हैं, एयर फ्रायर, राइस कुकर। अब इस तरफ आए तो ड्राई फ्रूट आ गए। ड्राई फ्रूट में देखे कीवी भी खुश की हुई है इन्होंने, और ये हैं जी ड्राई फ्रूट। ओ ये रहरी चलगोजे, वाह 64.94 के सिर्फ थोड़े से, और इसको ना मल्टीप्लाई कर लेना जरा पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ये थोड़े से आधा पाव होंगे मेरे ख्याल से। तो इनमें से तो काफ़ी चीज़ें मेरे घर पड़ी हुई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैं हर सैटरडे संडे को यहाँ पे ग्रॉसरी करने आता हूँ, तो कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। ये शैतूत है गालिबन, पता नहीं शैतूत ही था, लेकिन देखिए सफाई का निज़ाम ही साथ साथ चल रहा है, अंकल ही सफाई भी साथ साथ कर रहे हैं। अब इस तरफ आते हैं तो टिशू चाहिए मुझे, ये टिशू इस पे ना सेल लगी हुई है, मेरी नज़र जब भी जाती है सबसे पहले मैं देखता हूँ सेल किस पे लगी हुई है। ये 19 पॉइंट का लगा हुआ है। चलें जी इसको ही रख लेते हैं, और अब मैंने लेना है, क्या लेना है, वॉशिंग पाउडर। जब जब जिस चीज़ के पास जाता हूँ मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। ये मोस्टली यहाँ पे मैं टाइड यूज़ करता हूँ, या फिर वो जो है सर्फ एक्सल, ये दो डिटर्जेंट है जो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। इस दफ़ा इसको यूज़ करके देखते हैं। और नेक्स्ट मैंने लेना था, ये ख़त्म हुआ पड़ा था, डिश डिटर्जेंट, यस ये ख़त्म हुआ पड़ा था, इसको भी रख लेते हैं। चीज़ें काफ़ी होती जा रही हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये उठा के घर कैसे लेके जाऊँगा। कोई नहीं, लेके तो जाना ही है। अब यहाँ पे टूथपेस्ट आ गई हैं। टूथपेस्ट की बात की जाए तो मुझे कुछ ख़ास यहाँ की टूथपेस्ट पसंद नहीं आई। पाकिस्तान में जो एक हर्बल होती थी वो काफ़ी अच्छी होती, उसका टेस्ट होता था। यहाँ भी मेरी ट्राई यही होती है कि मुझे हर्बल चीज़ मिले, लेकिन मजबूरी फिर लेनी पड़ती है। अब स्नैक्स का पोर्शन आ गया है, और जो मुझे लेज पसंद है साल्टी येलो वाला, वो यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है जी, नहीं खाते हम। और ये देखें सेल लगी हुई है, बारबेक्यू का सामान है जितना भी, ट्रे प्लेटें वगैरह हर चीज़ की सेल लगी हुई है, लेकिन हमने कहाँ करना है यहाँ पे बारबेक्यू। ये ड्रिंक ले लेते हैं जी, जूस है ये ऑरेंज जूस, ये की काफ़ी है, सामान काफ़ी होता जा रहा है। मुझे ये देख देख ना घबराहट हो रही है, अभी मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। अब आया हूँ मैं बुचर शॉप की तरफ, और यहाँ सबसे पहले आए हाय बुरी चीज़ ही मथे लगी है, सख्त हराम। मैं इसी वजह से मैं इसके नज़दीक भी नहीं भटकता, और यही वजह कि जब मैं सुपरमार्केट आता हूँ तो यहाँ से मैं कोई चीज़ बाय नहीं करता। एक तो यहाँ से हलाल भी नहीं मिलती, और अगर हलाल मिल भी जाए लिखा हो कहीं पर तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इनके पास छुरियाँ जो औजार है ना वो एक ही होती हैं, इसको भी वही काटता हूँ उसको भी। और इधर ब्लैक मुर्गी पड़ी हुई है, वाह। तो ये तो वैसे छोटा गोश्त पड़ा हुआ है, बकरा पड़ा हुआ है, और इस तरफ आ गया सी फूड का सेक्शन। और अगर मैंने कुछ यहाँ से लेना भी हो तो सिर्फ मैं फ़िश ही लेता हूँ, क्योंकि उसका एक पोर्शन ही अलग है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यकीन करें मुझे उनके नाम खुद नहीं पता होता, लगते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन ये चाइनीज़ खाते हैं। और अब इस क्रैब को देखें कि ये बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर, तकरीबन 700-800 RMB बहुत महंगा मिलता है, और ये खाते हैं दबा के खाते हैं इसे लोग। मुझे तो देख के डर लगता है ये चीज़ें, ये पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं खा लेते हैं, कैसी कैसी रब की कुदरत है। और ये आ गया जी लॉबस्टर, मैंने जो पहले लॉबस्टर देखे हुए हैं ना दूसरी मार्केट्स में तो वो छोटे छोटे होते, इतने बड़े नहीं होते, और ये अच्छे खासे बड़े हैं। ये कोई स्पेशल किसी फार्म से आए हैं, किसी समंदर से ले के आए हैं। यहाँ पे सी फूड की दूसरी किस्में आ गई, मैंने पहले बताया कि मुझे इनके नाम तक नहीं पता होता। अब ये देखें ये लग ऐसे ही रहा है कि पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन इसको चील के ऊपर से इसका होल उतार के अंदर से निकाल के ये चीज़ें खाते हैं। अब आ गया जी फिश का सेक्शन, अब यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम की ना मछलियाँ देखने को मिलेंगी। अल्लाह की कुदरत देखें माशाल्लाह, मैं बहुत हैरान होता हूँ। देखिए चीता लग रहा है, टाइगर मछली लग रही है। तो यहाँ पर फिर क्रैब आ गया, ये वो छोटे साइज़ में आ गया, वो पीछे बड़े बड़े पड़े हुए थे, ये छोटे साइज़ में आ गए। कितना एक्टिव है ये देखो, बाज़ चीज़ों को देख के तो वैसे ही डर लगता है, लेकिन जब सोचे ये खानी है तो दिल ही ख़राब होता है।
बस रब की कुदरत देखे नहीं माशाल्लाह क्या क्या रब ने चीज़ें बनाई हुई हैं। ये टर्टल आ गए, ये उसी की इकसाम है कोई। और कुछ मछलियाँ तो यहाँ फ्रेश पड़ी होती हैं, जो आपको पसंद है अपनी पसंद की निकलवा के तो वो आप खाएं। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे पड़ी होती हैं काट के, कुछ हाफ लेके जाते हैं, कुछ फ्रीज की हुई हैं डिफरेंट किस्म की। और जब मैंने कोई फ़िश वगैरह लेनी हो तो यहाँ आके मैं अपनी पसंद की निकलवाता हूँ और रब की कुदरत भी देखता हूँ माशाल्लाह कैसी कैसी अल्लाह ने मखलूक बनाई हुई है। मोस्टली यहाँ से मैंने मछलियाँ ट्राई की हुई हैं और बात का मुझसे कोई अच्छी आ भी जाती है, कुछ टेस्ट वाइज अच्छी नहीं भी होती है। अब इससे पूछता हूँ अब मैं इसी से पूछता हूँ कि मज़ेदार कौन सी है। अब उससे मैंने पूछा इनमें से मज़ेदार कौन सी है टेस्ट वाइज, तो वो कहता है ये ज़्यादा मज़े की। अब इसने पूछा कि छोटी मछली निकालूं कि बड़ी, मैंने कहा बड़ी निकाल। आए हाय कैसे उस बेचारी मछली को सुन किया इसने, जो दिल था खाने का वो भी खत्म हो गया। अब मुझे बार बार पाथिये कह रहा है कि तू पाकिस्तान गया। ये कार्ट देखे ना मेरा दिल घबरा रहा है, इतना सारा सामान कौन उठा कर लेके जाएगा। और अब ये मार्केट भी तकरीबन बंद हो गई है, सिर्फ एक ही काउंटर खुला हुआ है, बाकी सारे बंद हो गए हैं। हम 3-4 बंदे ही रह गए हैं जो कि लास्ट पे हैं। चलें जी अब देखते हैं इसका कितना बिल बनता है, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ भी अच्छी खासी महंगाई हुई है। ले जी इतने से सिर्फ सामान का 309-10 RMB बिल बन गया है, जो कि यहाँ के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। पहले इतना नहीं बनता था, अब ज़्यादा बनता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।